वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 16 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार हो चुका है। आज के मुख्य समाचार में झारखंड के सभी छोटी बड़ी खबर को देखेंगे, साथ ही देश दुनिया और योजनाओं से जुड़े ताजा हेडलाइंस न्यूज भी देखेंगे। वीडियो के अंत में ट्रेन का ताजा अपडेट भी जानेंगे, बहुत जरूरी और सभी काम की खबरें हैं तो अंत तक देखें। हम ऐसे ही ताजा अपडेट आपके लिए डेली लाते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। खबर है झारखंड से, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, राज्य के हाई स्कूल शिक्षकों को बड़ी राहत। झारखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। इस बीच किसी भी हाई स्कूल शिक्षक को कार्य मुक्त नहीं करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश से झारखंड के 3686 हाई स्कूल शिक्षकों को राहत मिली है। हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई झारखंड की नियोजन नीति को सिमडेगा के सत्यजीत कुमार और खूंटी के नीरज कुमार साहू ने सुप्रीम कोर्ट में FLP दायर कर चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, इसलिए मामले में तत्काल किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा सरकार की नियोजन नीति को गलत बताते हुए 13 अधिसूचित जिलों में की गई नियुक्ति को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को नए तरीके से नियुक्ति करने का आदेश दिया था। तो आखिर क्या है मामला, तो आइए जानते हैं। 2017 में शिक्षक नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन को सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बताया था कि सरकार की गलत नियोजन नीति के तहत जिलों में 10 साल के लिए सभी तृतीय और चतुर्थीय वर्ग पद आरक्षित कर दिए हैं। ऐसे में वह अपने राज्य में ही होने वाली नियुक्ति से वंचित हो गई है, इसलिए नियोजन नीति को खारिज किया जाए। धोनी के परिवार को धमकी देने वाले आरोपी को गुजरात से पकड़कर रांची लाई पुलिस। तो आखिर क्या है पूरा मामला, तो खबर को आइए जानते हैं थोड़ी विस्तार से। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट कर बेटी जीवा को धमकी देने वाले नाबालिग आरोपी को लेकर पुलिस गुरुवार की सुबह रांची पहुंची। नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में बताया कि IPL में चेन्नई सुपर किंग की टीम का वह बहुत बड़ा फैन है। ऐसे में 7 अक्टूबर को चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच में चेन्नई सुपर किंग को मिली करारी हार के बाद उसे काफी गुस्सा आया था। मैच में उसे धोनी से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उसने 12 बॉल पे सिर्फ 11 रन बनाया था। यही वजह है कि वो धोनी से काफी नाराज था। पुलिस पूछताछ में पकड़ा गया नाबालिग यह भी बताया कि किसी प्रकार की दुश्मनी या प्री प्लान के तहत उसने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं किया था। अन्य कई लोगों का इससे पहले आलोचनात्मक पोस्ट देखने के बाद उसने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। हालांकि उसे खुद भी अपनी गलती का थोड़ी देर बाद ही एहसास हो गया था, जिसके बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया था। मालूम हो कि 9 अक्टूबर को धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बेटी जीवा को धमकी देने वाले आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद रातू पुलिस ने सिमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस पर जाकर उनके परिजनों से संपर्क किया था और मामले की जानकारी ली थी। मामले में पुलिस ने 11 अक्टूबर को रातू थाना में पदस्थापित 2018 बैच के दरोगा रविशंकर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी। टेक्निकल सेल के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली थी कि गुजरात से इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर धोनी के परिवार को धमकी दिया गया। इसके बाद रांची पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद आरोपी नाबालिग पकड़ा गया था। सरना धर्म कोर्ट की मांग को लेकर सड़क पर निकले आदिवासी संगठन, रोड किया जाम। जनगणना फॉर्म में सरना धर्म कोर्ट की मांग पर केंद्रीय सरना समिति समेत आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को सड़क पर निकल आए। लोगों ने राज्यव्यापी चक्का जाम किया। इससे रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पूरी तरह से जाम हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। हालांकि प्रेस, दूध, एम्बुलेंस और स्कूल बस समेत आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। रांची गुमला समेत पूरे राज्य के हाईवे, जिले और शहर के एंट्री पॉइंट को जाम किया गया। वहीं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में बुधवार की शाम मशाल जुलूस भी निकाला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टेस्ट और सीरो सर्वे को बढ़ाने पर दिया जोर, वैक्सीन पर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना टेस्ट और सीरो सर्वे को और ज्यादा बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए कम कीमत पर नियमित तौर पर और तेजी से जांच की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। PM ने कहा कि उनकी सरकार कम कीमत पर सभी को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। PM ने भारतीय वैक्सीन निर्माता की कोशिश की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि देश के सभी
को आसानी से और कम कीमत पर कोरोना की जांच, वैक्सीन और इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में लगातार नजर रखने और उच्च स्तर पर तैयारी रखने का आह्वान करते हुए पीएम ने हेल्थ अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वे कोरोना टेस्ट और सीरो सर्वे को बढ़ाएं। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पीएम मोदी 22 अक्टूबर को कोलकाता में करेंगे दुर्गा पूजा का उद्घाटन। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से दुर्गा पूजा के मौके पर होने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये तय होना बाकी है कि पीएम मोदी खुद कोलकाता जाते हैं या वो कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक कुर्सी 6 दावेदार। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री पद के 6 उम्मीदवार, जाने उनकी पूरी कुंडली। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार गठबंधन की संख्या ही नहीं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की संख्या भी काफी ज्यादा है। इस बार सीएम पद के 6 दावेदार है। जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के गठबंधन एनडीए ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, लेकिन राजद, कांग्रेस और 3 वामदलों के महागठबंधन ने इस बार अपना चेहरा बदल लिया है। पिछले चुनाव में इस गठबंधन का चेहरा भी नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम पद के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 6 दलों के मिलाकर बने ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तो प्रतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के पप्पू यादव को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। इधर चिराग पासवान ने खुद को कभी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। इसी चुनाव के ठीक पहले प्लूरस नाम से नई पार्टी बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी खुद को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा। बिहार विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान बोले, अकेले चुनाव लड़ने के लिए पिता ने किया प्रोत्साहित, कहा ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताओगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होने हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज होकर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे लेकर लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा कि उन्हें पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उन्हें बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। सस्ता हुआ सोना, चांदी में 147 रुपए की आई गिरावट। त्योहारों से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को कारोबारी सत्र में सोने की वायदा कीमतों और सरफरा बाजार की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कोविड एक्सचेंज में दिसंबर का सोना वायदा भाव 147 रुपये यानी 0.29% घटकर 50,395 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गए। इस अनुबंध में 14,692 लॉट के लिए कारोबार किया गया। ग्लोबल मार्केट में न्यूयॉर्क में सोना 0.36% घटकर 1,909.5 डॉलर प्रति औसत रह गई। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने की कीमतों में गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में सोने का भाव गिरावट आई और यह 32 रुपये टूटकर 51,503 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट की दर्ज की गई है। गुरुवार को चांदी की कीमत भी 626 रुपये गिरकर 62,410 रुपये प्रति किलो रह गई। पीएम मोदी ने कोविड-19 पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, वैक्सीन पर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अचानक वैक्सीन डेवलपमेंट एकोसिस्ट एजेंस कोविड-19 की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, नीति आयोग सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार सहित कई अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाने वाले भारतीय निर्माता की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने के लिए जो भी काम हो रहे हैं उन्हें सरकारी समर्थन और सहायता जारी रहेगा और इसके लिए वे प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीरो सर्वे और परीक्षण का स्केल बढ़ाया जाए। खबर है देश की विभिन्न योजनाओं से। एनपीएस अटल पेंशन योजना के तहत प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति 5,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंची। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 5,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जानिए पीएम आवास योजना के किस आधार पर होता है लाभार्थियों का चयन, फिर मिलती है होम लोन के ब्याज पर
2.67 लाख रुपए का सब्सिडी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार खुद के घर का सपना देखने वालों को होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी ऑफर करती है। बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पीएम आवास योजना के तहत सरकार सस्ती दर पर मकान बनाकर बेचती है और खुद का घर बनाने वाले ब्याज को सब्सिडी देती है। पीपीएफ, ईपीएफ, बीपीएफ और एनपीएस रिटायरमेंट के बाद पैसे बनाने हो तो ये चार कर देंगे आपको मालामाल। जानिए इसका खासियत। बिजनेस डेस्क, जीवन की शुरुआत दौर में नौकरी शुरू करने के बाद भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को हर महीने नियमित आय की जरूरत होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर देनी चाहिए। इससे रिटायरमेंट के समय तक एक बड़ी राशि जुटाने में मदद मिलती है। रिटायरमेंट फंड में जुड़ी योजनाएं हैं जिनमें से सामान्य भविष्य निधि यानी पीपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी बीपीएफ जैसी योजनाएं प्रमुख है। पीएम किसान योजना के तहत नवंबर के किस्त चाहिए तो अभी से करें यह काम वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपये। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे, लेकिन अगर आपके खाते में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि आपके खाते में कुछ गड़बड़ी हो जिसकी वजह से पैसे नहीं आए हैं। तो आप नवंबर वाली किस्त जारी होने से पहले ही अपनी इन गड़बड़ियों को सुधार कर लें जिससे आपको आगे की किस्त मिल सके। बता दें, हो सकता है आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी रह गई हो या फिर आपके आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक डिटेल्स में भी अंतर रहने की वजह से कई बार खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसलिए आप इस तरह की गड़बड़ियों को सुधार लें जिससे आपको नवंबर वाली किस्त मिल सके। पेटीएम से पेमेंट करना कल यानी 15 अक्टूबर से हुआ महंगा। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते ही हैं। अगर आप भी सामान्य लेन देन के लिए पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम का यूज करना 15 अक्टूबर से महंगा हो गया है। क्रेडिट कार्ड से मनी लोड करने पर 15 अक्टूबर से लगेगा 2% का चार्ज। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी के नियम में बदलाव किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा इंडियन रेलवे। फलों एवं सब्जियों के किराए में मिलेगी भारी छूट। मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। किसान रेल के जरिए भी यह काम किया जाएगा। अब किसान रेल में फलों और सब्जियों के किराए में भारी छूट दे दी गई है। अब इसके लिए आधा किराया लिया जाएगा, यानी किसान रेल अब पहले के मुकाबले ज़्यादा मददगार साबित होगी। सरकार ने अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। एक बड़ी खबर, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। क्या है ये नया सिस्टम और होम डिलीवरी कैसे होगी, आइए आपको बताते हैं सब कुछ। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो डिलीवरी बॉय के पास से ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे। और इसके बाद अब 1 जनवरी से इंश्योरेंस कंपनियां देगी ये पॉलिसी, आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियां को 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य तौर पर स्टैंड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देनी होगी जिसका नाम सरल जीवन बीमा होगा। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक एक स्टैंडर्ड सरल बीमा पॉलिसी पेश करने का निर्देश दिया है।
फेस्टिवल सीजन में 36% तक बढ़ेगी घरों की मांग, प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बेहतर समय। राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी, REET परीक्षा के बाद शुरू हो गई भर्ती। कोरोना काल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के तहत 31,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुछ 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा के तिथि में फिर हुआ बदलाव, जाने नई तारीख। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 की सेंटर परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अब सेंटर परीक्षा 11 से 19 नवंबर तक होगी, पहले यह तिथि 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक थी। आज से 30 नवंबर तक हावड़ा और टाटानगर के बीच ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02829 हावड़ा से टाटानगर के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 02830 टाटानगर से हावड़ा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन प्रत्येक दिन अप डाउन चलेगी। 05097 भागलपुर जम्मू तवी साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचलन 29 अक्टूबर से 26 नवंबर 2020 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को भागलपुर से तथा 05098 जम्मू तवी भागलपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचलन 3 नवंबर से 1 दिसंबर 2020 तक प्रत्येक मंगलवार को जम्मू तवी से किया जाएगा। वास्को डी गामा पटना के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02741 वास्को डी गामा से पटना के लिए 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02741 पटना से वास्को डी गामा के लिए 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 05115 और 05116 अप एंड डाउन छपरा दिल्ली छपरा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 24 अक्टूबर से 28 नवंबर 2020 तक प्रत्येक शनिवार को छपरा से तथा 25 अक्टूबर से 29 नवंबर 2020 तक प्रत्येक रविवार को दिल्ली से चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 05101 और 05102 अप एंड डाउन छपरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई छपरा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 20 अक्टूबर से 24 नवंबर 2020 तक प्रत्येक मंगलवार को छपरा से, 20 अक्टूबर से 27 नवंबर 2020 तक प्रत्येक शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलाई जाएगी। बीकानेर कोलकाता बीकानेर साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल गाड़ी संख्या 2495 बीकानेर कोलकाता साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा दिनांक 22 अक्टूबर 2020 से 26 नवंबर 2020 तक 6 ट्रिप प्रत्येक गुरुवार को बीकानेर से 5:20 सुबह रवाना होकर अगले दिन 1:15 में कोलकाता पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 02496 कोलकाता बीकानेर साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा दिनांक 23 अक्टूबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक 6 ट्रिप प्रत्येक शुक्रवार को कोलकाता से रात के 10:45 में रवाना होकर तीसरे दिन 5:50 सुबह बीकानेर पहुंचेगी। अजमेर सियालदा अजमेर प्रतिदिन सुपर फास्ट स्पेशल गाड़ी संख्या 02988 अजमेर सियालदा प्रतिदिन सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा दिनांक 20 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक अजमेर से 12:45 में रवाना होगी और अगले दिन 4 सियालदा पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 02987 सियालदा अजमेर प्रतिदिन सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा दिनांक 21 अक्टूबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक सियालदा से रात के 10:55 में रवाना होकर तीसरे दिन 2:45 में अजमेर पहुंचेगी। सियालदा नई जलपाईगुड़ी सियालदा सुपर फास्ट पूजा स्पेशल भाया डानकुनी ट्रेन संख्या 02343 सियालदा से नई जलपाईगुड़ी के लिए 20 अक्टूबर से रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 02344 नई जलपाईगुड़ी से 21 अक्टूबर को सियालदा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन प्रत्येक दिन चलेगी। पूजा स्पेशल ट्रेन संतरागाछी पुणे साप्ताहिक
ट्रेन संख्या 02817 और 02818 अप एंड डाउन 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 02812 और 02811 अप एंड डाउन 23 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। हटिया यशवंतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 02835 और 02836 अप एंड डाउन 20 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। टाटा नगर यशवंतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 02889 और 02890 अप एंड डाउन 23 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। हावड़ा पुरी हावड़ा पूजा स्पेशल आज से ट्रेन संख्या 02837 हावड़ा से पुरी के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन 30 नवंबर तक प्रत्येक दिन चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 02838 कल से पुरी से हावड़ा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन 1 दिसंबर तक प्रत्येक दिन चलेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।